सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक फैमिली मेडिकल इशू हुआ था, उसमें बिज़ी था इतने दिनों से, अभी भी उसमें ही बिज़ी हूँ, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला। मैंने 2 दिन पहले मैं 1 दिन के लिए बाहर गया था, तो तब मैंने ब्लॉग बनाया था, बट भाई नसीब इतना उस दिन ख़राब था कि उसी दिन जब रात को मैं एडिट करने बैठा, फ़ोन अचानक से बंद हो गया, सारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, सारा डेटा चला गया, जितना शूट किया था सब चला गया, उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट डेटा था वो भी, मतलब फ़ोन हो गया मेरा ज़ीरो। तो भाई मैंने दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि क्या करेंगे यार। तो एक तरफ ये हॉस्पिटल वाला इशू था और दूसरी तरफ ये हुआ, तो मैंने इतने दिनों से उसमें ब्लॉग ही नहीं बनाए। बट आज हम जा रहे हैं शादी में, तो शाम को सब सारे दोस्त मिलेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, तो भाई आज तो ब्लॉग ज़रूर बनेगा। इतने दिनों के बाद में ब्लॉग बना रहा हूँ, कम से कम 1 हफ्ता हो गया भाई, तो अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और शादी में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती होगी, ये सब करेंगे, तो लेट्स सी चलता है और मस्ती करते हैं, दोस्तों से शाम को जाके मिलेंगे। अभी 4 बजे है, मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट जाने वाला हूँ। सो लेट्स सी। ये यहाँ का टेरेस व्यू है भाई, ये हॉस्पिटल से दिखता है 4th फ्लोर से, और ये अहमदाबाद का व्यू है। रोज पेशेंट को ये लोग यहाँ पे बिठाते हैं, थोड़ी देर मजा आ जाता है उनको। ये है कहानी भाई, गांधीनगर का ये मेन एरिया, टाटा टीसीएस वाले यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फुल ऑन पब्लिक रहती है, ये रोड पैक का पैक ही रहता है पूरे दिन। हम लोग चाय पीने आए हैं भाई, चाय जी में, ये हमारा फेवरेट स्पॉट है, रिलायंस चौरस्ता पे, सरगासन पे, चाय और कॉफ़ी। चाय आ चुकी है भाई, मेरी छोटू सी चाय आई है, इसकी मस्त कॉफ़ी आई है बड़े कप में, ये मेरे कुल्लड़ छोटे कप में आई है, कोई नहीं भाई सहन कर लेंगे, हमको लगा कि बड़े कप में आएगी। भाई कुछ बादाम पूरी करके आइटम है, ये गारंटी ले रहा है कि बहुत टेस्टी है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। यही करने का ना आप लोगों को, तो सारे लोगों के ऑर्डर मान मान के शादी में जाने का, ये मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ। पता नहीं हमको यहाँ पे मोमोज खाने बुलाया, मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते भाई, देख के मेरे को तो चीड़ चढ़ती है, तो लेट्स सी देखते हैं अभी कहाँ लेके जाते हैं। जेजे से रिव्यू लेते हैं भाई, जेजे इस मोमो खा रहा है, मेरे मोमोज कैसे लग रहा है जेजे पता, वो देख के पता चल गया भाई, मेरे को तो ना मतलब अजीब ही लगता है भाई, मैं बता भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे कैसे दिखते हैं, ये किस जो कैसे दिखते हैं ना, वो मेरे को बहुत अजीब लगता है। मजा है जामफल, चाय पीने रुके भाई रास्ते में कहीं पर भी, तो बट छोटा सा ही लग रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं चाय कैसी मिलेगी, बट बाजू में बहुत बड़ा बोर्ड मारा है फूड कोर्ट का, तो अब चलते हैं बाजू वाली होटल में। भाई लकीली उसी होटल में, उसी रेस्टोरेंट में ना भाई दूल्हे की बस आ चुकी है यहाँ पे, जो हमको पता ही नहीं था कि हम मिल जाएंगे, लेकिन लकीली हम लोग मिल गए भाई अचानक से। ये समोसा देखो यार, फीलिंग ही नहीं है इसमें, फीलिंग ही नहीं है, समझ रहे हो ना, फीलिंग ही नहीं है समोसे में। तो भाई महा ब्रेक के बाद निकले वापस नीलवे की जान में, और हमारा एक बंदा है फोन नहीं उठा रहा है, अगर नहीं उठाया उसने फोन कल सुबह तो लग जाएंगे हमारे घोड़े। और एक ब्रेक लिया है भाई हमने, हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी चाय वाय पियेंगे या थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे भी, क्योंकि भूख भी लगी है, वहाँ पर सिर्फ चाय पी थी हमने, यहाँ पर भूख लगी है, थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है सब मिलेगा, कुछ ना कुछ खाएंगे, चाय और कॉफ़ी, और हम ले रहे हैं साथ में मस्का बन,
होप, क्योंकि भाई मशीन में बना रहा है तो मशीन वाली ज़्यादातर अच्छी नहीं होती है, बट टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, तो अभी कॉफ़ी टेस्ट कर लेते हैं। आइसक्रीम के कप में चाय दे रहा है भाई ये तो, आइसक्रीम के कप में, मतलब ऐसे ज़्यादा ले रहा है लेकिन कप तो वही है। बेचारे मस्काबंद इतने गरीब लग रहे हैं यार, देखो ना। बड्डे बॉय कहाँ रहता है भाई तू ऐसे एरिया में? हैप्पी बर्थडे भाई, क्या बर्थडे है तू बड़ा तो थोड़ी है भाई, सात बार ना उतारो परेश भाई। सुबह के 5 बजे हम लोग यहाँ पे बिना किसी इसके खड़े, यहाँ सामने हमको रहना है लेकिन जो मालिक है वो आई है, वो ही नहीं आए भाई, दूल्हा ही नहीं आया, और दूल्हे की दूल्हा 6 किलोमीटर दूर है, दूल्हा 6 किलोमीटर दूर है अभी भी। हम लोग यहाँ पे ऐसे पड़े हैं सुमसान रोड पे, ये देखो दूल्हा भी नहीं है और कोई नहीं है भाई, हम लोग खड़े हैं, हमको बहुत नींद आ रही है, क्या करेंगे।